खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं अकाल पुरख साहब दी मेहर दे सदका और थोड़ी शुभ कामनावां दे सदका सेहत याब हो रहा और आस करना कि कुछ दिन बाद मैनू छुट्टी मिल जाएगी। सब तो वध मैं अपनी जिंदगी च जिस किसी चीज ते जोर दिता है तो वो दिता है अमन शांति ते भाईचारक सांझ, क्योंकि जिस सूबे विच जिस देश विच अमन शांति नहीं भाईचारक सांझ नहीं वो ना सूबा तरक्की कर सकता है ना देश तरक्की कर सकता है। अज एक बहुत वड्डा मसला देश दे सामने है, खास करके जिदा पंजाब नाल बहुत तलक है, वो है सरदार दविंदर पाल सिंह जो लंबे समय तो जेल चन और अपनी जेल दी पूरी जिहड़ी यात्रा सी वो पूरी खत्म कर चुके हैं ते उन्हां दी रिहाई जिहड़ी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर दिती है ते जुडिशरी ने भी अप्रूव कर दिती है। पता नहीं की कारण है कि केजरीवाल साहब जो दिल्ली दे चीफ मिनिस्टर हैं वो उन्हां दे दस्तखत होने और जो तई उन्हां दे दस्तखत नहीं होंदे वो रिलीज नहीं होंदे और पता नहीं क्यों रोकी बैठे है। जदों सारे किसे नूं कोई इतराज नहीं, सारी जुडिशियल ते गवर्नमेंटल जिहड़ियां क्लीयरेंसिस हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट दियां तां उन्हां नूं इस चीज से पेंडिंग रखना ए कोई देश दा पंजाब दे हित नहीं। मैं उन्हां नूं बेनती करांगा कि एक बहुत इमोशनल जिहा मसला है और इहदे च उन्हां नूं रुकावट नहीं बननी चाहीदी। मैं केसरी साहब नूं भी बेनती करना कि वो तुरत इस वक्त आप ध्यान दे के वो फाइल क्लीयर करन ताकि लंबे समय बाद सरदार दविंदर पाल सिंह बाहर की खुली हवा देख सकन और अपने मित्र प्यारियां नूं फैमिली नूं मिल सकन। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।